हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा किट के बारे में। ज़ीरोधा एक ट्रेडिंग अकाउंट है और डिस्काउंट ब्रोकर भी है, जो कि आपसे मिनिमम फीस लेके आपको ज़्यादातर बेनिफिट्स देंगे। चलिए शुरू करते हैं। काइट अपन ने ओपन कर लिया है, लॉगिंग टू काइट में चलते हैं। आपको जब आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपको एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा। चलिए आप अपनी आईडी डालते हैं। कुछ कुछ भी रह सकती है आपकी आईडी, कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इस अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए लॉगिन करते हैं। आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ता है खुद के यूज़ के लिए। चलिए अपन सिक्योरिटी पिन डालते हैं। कोई भी आपका अकाउंट यूज़ नहीं करे इसलिए। तो आप देख पा रहे हैं नीचे में आपको पांच ऑप्शन दिख रहे हैं। एक वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो ऐप से और अपना फंड के बारे में। तो वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं आपको ऊपर में ऐसे पांच वॉच लिस्ट दी हुई रहती है, जैसे कि आप इसमें ज़्यादातर एक वॉच लिस्ट में ज़्यादातर आप 50 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आप वॉच लिस्ट का नाम चेंज करके आप अपने मनपसंद स्टॉक रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बैंक नाम से नहीं किया और इसमें सब मेरे बैंक के स्टॉक्स है जो कि आज गिरे हुए हैं, देख सकते हैं। सेकंड इसमें चलते हैं ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि पेंडिंग्स में आपके जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है वो पेंडिंग्स में आ जाएंगे। एग्जीक्यूट में देखेंगे तो एग्जीक्यूट में आपको कुछ तीन दिख रहा है, मतलब आज देखिए आज मैंने ये ऑर्डर अपने कंप्लीट किए। जैसे कि विकास का मल्टी कॉर्पोरेशन ऐसी कंपनी जो कि मैंने खरीदी है, थॉमस कुक के कैंसिल हुए, किए मैंने, एस बैंक के आज बेचे हैं, जो कि कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से। और जीटीडी के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलिए पोर्टफोलियो में चलते हैं। आप देख पा रहे हैं होल्डिंग्स में जो कि आज मैंने शेयर एस बैंक के बेचे हैं, तो होल्डिंग्स में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज बेचे हैं, कल से वो गायब हो जाएंगे वहाँ से। अब पोजीशन में देख रहे हैं कि मैंने विकास मल्टी कॉर्पोरेशन के खरीदे आज, तो इससे आपको पोजीशन में दिख रहे हैं। और ये जो प्लस टू दिख रहा है ये जिस प्राइस में मैंने बेचे है उससे भी नीचे एस बैंक चला गया, इसलिए वो मुझे प्लस टू दिखा रहा है। तो आगे चलते हैं एप्स पर। तो देख पा रहे हैं एप्स में आपके लिए कुछ नहीं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझना है यार, आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रोफाइल दिख रही है आपको, प्रोफाइल्स पे क्लिक कीजिए। आपके प्रोफाइल्स को आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, ईमेल सब मिल जाएगा आपको अपनी प्रोफाइल्स के बारे में। आपका क्या कौन सा सेशन चालू है, आप कौन सा ऐप, कैट एंड्रॉयड ऐप पे भी है, वो भी आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे। आपकी पूरी आपके अकाउंट के बारे में, आपकी बीओ आईडी, आपको सब मिल जाएंगे आपको। चलिए फंड्स पे चलते हैं। आपको अब ऐड मनी, आपको ऐड फंड्स करना है। ऐड फंड्स के लिए आपको अपनी अमाउंट डालनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने 200 डाला है। यूपीआई, गूगल पे, नेट बैंकिंग और अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। मेरा मानना है कि आप यूपीआई से ही करें या गूगल पे से करें। चलिए विड्रॉ को समझते हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस के बाद आपको अपना अकाउंट है या नहीं चेक करना और कंफर्म करना है। चलिए अभी शेयर खरीदने के बारे में बात करते हैं। हम देखेंगे बिरला सॉफ्ट। चलिए बिरला सॉफ्ट को देखते हैं। आप देख सकते हैं व्यू चार्ट में, आप उसका चार्ट देख सकते हैं। क्रेडिट डे के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। मार्केट डेस्क में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए और कितने बेचे गए। आप देख सकते हैं ओपन कहाँ पे हुआ, लो कितना था, वॉल्यूम देख सकते हैं, एवरेज प्राइस देख सकते हैं, ट्रेडेड क्वांटिटी देख सकते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट देख सकते हैं, उसके नीचे फंडामेंटल्स है। इसमें आपको पी रेशियो मिलेंगे, सेक्टर पी रेशियो मिलेंगे, चार्ट मिलेंगे, आपको परसेंट मिलेंगे कितना रिटर्न दिया। तो सेट एंड अलर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिमिट प्राइस पे आपको लेना होगा शेयर तो आप उसके ज़रिए नोटिफिकेशन भी पा सकते हैं। चलते हैं टेक्निकल्स पे।
यहाँ भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, देख सकते हैं आप, स्ट्रेटजीज वगैरह एक्सेट्रा। चलते हैं स्टॉक रिपोर्ट्स पे। स्टॉक रिपोर्ट्स पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं। चलिए शेयर खरीदने चलती है। बाय पे क्लिक कीजिएगा, देखिए क्वांटिटी आपके हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्राइस लिखी है, आप अपने प्राइस में हिसाब से ले सकते हैं। प्रोडक्ट में देखिए आप CNC और MES दिखाया था। VCNC मतलब डिलीवरी और MES मतलब इंट्राडे। ऑर्डर में देख सकते हैं आप मार्केट लिमिट, इस स्टॉप लॉस लिमिट एंड स्टॉप लॉस मार्केट लिमिट। तो मार्केट तो आपको पता है, लिमिट में आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपको लेना पड़ता है आपके हिसाब से आपके मन पसंद। स्टॉप लॉस में आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से आपको लेना पड़ता है। तो ट्रिगर प्राइस आपके लॉस के थोड़ा ऊपर रख देनी चाहिए, क्योंकि आपको लॉस नहीं होना चाहिए। और स्टॉप लॉस मार्केट में आपको आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही है। चलिए वैरायटी देखते हैं। वैरायटी में देख सकते हैं आप रेगुलर, BO, CO एंड AMO। आपको पता है रेगुलर और AMO डिलीवरी के लिए, और BO CO इंट्राडे के लिए है। आगे देखते हैं डे और IOC। डे मतलब जिस दिन शेयर खरीदा उस दिन छोड़ के अगले दिन या 2 साल बाद बेच दिया। पर इंट्रा IOC मतलब जिस दिन खरीदा उसी दिन उसको बेचना है। चलिए कंपनी के एक बार चार्ट को देख लेती है। आप चार्ट देख पा रहे हैं, चार्ट में कंपनी को अपर सर्किट लग गया है, बार बार लगा है। चलिए शेयर खरीदने चलते हैं। क्वांटिटी डालिए आप अपना, डिलीवरी इंट्राडे चूज कीजिए, लिमिट चूज कीजिए, फिर स्वाइप कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं मेरा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि एरर दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी बंद है। चलिए हम अभी आप GTT के बारे में बता रहे हैं। GTT में देखिए आप बाय सेल सिंगल और सेल, बाय भी कर सकते हैं सेल भी कर सकते हैं, डिलीवरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ती है यहाँ पे। अगर आपको मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं भी इस स्टॉक की प्राइस अभी 145 के ऊपर है। अगर मुझे स्टॉक बाय करना है तो मैं इसकी प्राइस, अगर मुझे कम प्राइस में बाय करना है, जैसे कि मुझे 140 में बाय करना है, तो मैं 140 लिखूंगा और ट्रिगर प्राइस में 145 लिखूंगा। अगर 145 जैसे जैसे स्टॉक नीचे आएगा, 145 तक जाएगा, वैसे मेरा ऑर्डर दे दिया जाएगा, और जैसे 140 का टच होगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको 0 धमे में मिलता है। और फिर आप स्वाइप कर लीजिएगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। आप देख सकते हैं मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट कर लिया मैंने। सेल के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेल पर क्लिक कीजिएगा, इंट्राडे डिलीवरी अब आपको चूज करनी है। चलिए अभी बात करते हैं आपको इंडेक्स दिखाने के लिए, इंडेक्स कैसे चूज करें। आप देख सकते हैं ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी दिखाया जा रहा है, जो कि अभी नेगेटिव में है। आप कोई भी एक स्टॉक ले लीजिएगा, जैसे मैंने बिरला सॉफ्ट लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पॉट वन और स्पॉट टू लिखा है, आप स्पॉट वन पे क्लिक कीजिएगा। स्पॉट वन की जगह आपको सेंसेक्स के बदले वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए आप बिरला सॉफ्ट देख पा रही है। इस तरह आप निफ्टी को भी चेंज कर सकते हैं। देख पा रहा है मैं निफ्टी को सर्च कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट दीजिएगा। ऐसे ही हमने अपस्टॉक का भी रिव्यू दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएंगी।